Welcome back to Sanjari Academy. I am Bushra. Let's continue our chapter Heredity and Evolution. In last two lectures, we study about cell, DNA and many things. Today we are going to start evolution. What is evolution? Okay? लास्ट लेक्चर में हमने इवोल्यूशन का डेफिनेशन देखे थे. इस लेक्चर में हम लोग इवोल्यूशन के और डिटेल्स में जाएंगे. ठीक है. इवोल्यूशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू the change in specific character or several generation in living organism as a response to natural selection is called evolution. Is that clear, student? Evolution is a formation of new species due to change in specific character or several generation in living organism as response to natural selection is called evolution. Evolution का मतलब कि एक character से दूसरे character में changes आना. यानी कि हम लोग example में ले लेती हूँ. आज modern technology है और पहले ancient period में लोग कैसे होते थे कि वो जंगल वगैरह में रहते थे और उनका खाना भी अलग तरीके का होता था. अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैसेस यूज करते हैं. और दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि पहले हम लोगों को चिट्ठी लिखनी पड़ती थी. किसी को अगर संदेश पहुंचाना है या किसी से मिलना हो तो हम लोग चिट्ठी या खत लिखते थे. ठीक है. अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमारे पास स्मार्टफोन है, हम लोग एक दूसरे से वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं. इसे हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं. 3.5 बिलियन ईयर्स अर्थ पे लाइफ एक्सिस्ट नहीं था. तब ओशन के अंदर यानी वाटर के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बनना शुरू हुए, जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनना शुरू हुए. धीरे 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 इवोल्यूशन होता गया, वो अर्थ पे एक्सिस्ट होने लगे. जैसे अभी पार्टिकल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, वो तो हमें दिखेंगे नहीं, हमारे एतराफ में होते हैं बट दिखते नहीं है. जैसे हम एयर में होंगे, लैंड पे होंगे, रॉक्स पे होंगे, ऐसे बहुत सारी चीजों पे होंगे. फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस को ही ले लो स्टूडेंट, वो वायरस है, ये हम लोग पार्टिकल्स पे पढ़ रहे हैं. फर्स्ट प्रिमिटिव सेल फिर एग्जिस्ट होने लगा. केमिकल कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल सी, फिर धीरे 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 वो कॉम्प्लेक्स बनने लगा. फिर कुछ पार्टिकल्स जो है सराउंडिंग में एक्सिस्ट हो गए, सराउंडिंग नेचर में एक्सेप्टेड हो गए, और कुछ जो है पेरिश हो गए. पेरिश का मतलब डेथ होना. ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा सेल थियरी. ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया, टेक अ स्क्रीनशॉट. इवोल्यूशन थियरी स्टार्ट करने से पहले एक और बात, ह्यूमन ने क्यूरियोसिटी दिखाई थी. अब ये पार्टिकल्स तो हो गए कि कैसे कॉम्प्लेक्स हुआ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर. ह्यूमन ने क्यूरियोसिटी दिखाई कि ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीरो से जो हमारी लाइफ है वो किस तरह स्टार्ट होती है. ये उन्होंने बताया कि हमारा जो एंशियंट पीरियड से अभी तक का मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अभी भी इवोल्यूशन हो रहा है, अभी भी है, स्टॉप नहीं हुआ इवोल्यूशन, अभी भी इवोल्यूशन जारी है. तो ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट को
ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट आज भी एक्सेप्टेड है। थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। थियोरी ऑफ इवोल्यूशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, जो हमारा फर्स्ट मटेरियल था जो हमारे ओशन में आया था वो था हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक यूनिसेलुलर मटेरियल है, एक यूनिसेलुलर पार्टिकल है जो धीरे 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 कॉम्प्लेक्स होने लगा, यानी सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेकर वो धीरे 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 इस ये ड्यूरेशन को लगभग 300 करोड़ ईयर्स लगे थे, इसे हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। ये थी हमारी सेल थियरी। मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया इवोल्यूशन हो रहा है, धीरे 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 इवोल्यूशन हो रहा है, बट हमें इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास प्रूफ तो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 5 एविडेंस है। फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, सेकेंड वन इज एनाटॉमिकल एविडेंस, थर्ड इज पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस, फोर्थ वन इज कनेक्टिंग लिंक, एंड फिफ्थ वन इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। नाउ सी फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग ये देखते हैं कि एनिमल और प्लांट्स के पोजिशंस, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल के आई पोजिशन, उनका एयर पोजिशन सिमिलर होता है, इसे हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। ये जो हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है वो है। और लीफ वगैरह में होता है, लीफ के स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ सेम होते हैं, लीफ के डिजाइन सेम होते हैं, तो ये चीजें हमारे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस था फर्स्ट। अब सेकेंड है हमारा एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस जो है, एग्जाम्पल कैट के फोर लेग और वेल का फिलियर, ये जो इनका जो बोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। इनके जो आप पिक्चर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये सेम नहीं दिखेंगे, इनका जो बोन का स्ट्रक्चर होता है ना वो सेम होता है, इसे हम लोग एनाटॉमिकल एविडेंस बोलते हैं। अब थर्ड आते हैं हमारा पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। ये सुन के थोड़ा लग रहा होगा कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनिज्म हमारे कब डिस्कवर हुए थे, कब हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आया था, कैसे पता चलेगा, कुछ एनिमल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे फ्लड्स की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से। थोड़े से क्वेश्चंस आएंगे माइंड में पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस वर्ड सुनकर। ये एक अर्थ पे एक सीक्रेट है जो हिडन है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग इसमें पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस में कि ये क्या है। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग एक तरीके से, मैं आपको हिंट देती हूँ थोड़ा सा, इसमें होगा रेशो होंगे, दो कार्बन के रेशो होंगे, C14 और C12। C12 जो है रेडियो एक्टिव नहीं है, नॉन रेडियो एक्टिव है, और C14 यानी कार्बन 14 और कार्बन 12, नॉन रेडियो एक्टिव है, और C14 यानी कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है। ये दोनों रेशो जो है एनिमल्स में पाए जाते हैं, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कार्बन डेटिंग एक वर्ड है, कार्बन डेटिंग, जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वो एनिमल कब मरा था, और या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग कि ये अभी जैसे रिसेंटली एक हम लोग ले लेते हैं, दिल्ली में केस हुआ था बाबरी मस्जिद का, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, तो वहां पे ऐसा इशू हो गया था कि ये पत्थर अभी का है एंड पुराना, ये पत्थर पुराना है, तो वो चीज हम लोग कार्बन डेटिंग से देख सकते हैं कि ये पत्थर जो था वो पुराना है या पुरानी सेंचुरी का है या अभी का है। ये था हमारा पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक यानी कि दोनों भी अलग अलग ग्रुप के होंगे लेकिन एक दूसरे से रिलेट करेंगे, इसे हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। पेरिपेटस एक एनिमल है जिसका सेगमेंटेड बॉडी है और सर्कुलेशन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, पेरेपोडिया के साथ जो है वो रिलेट करता है, ये हम लोग बोलेंगे सब कनेक्टिंग लिंक। अब नेक्स्ट आते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस।
एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस में यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देखेंगे कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। स्टार्टिंग का जो स्टेज है इसका, उसमें आप लोग देखेंगे कि जितने भी फिगर में जो दिया गया है यहाँ पे, वो सारे सिमिलर दिख रहे हैं। धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो उनका साइज, उनका स्ट्रक्चर सेम हो रहा है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग ने इवोल्यूशन, उसकी इवोल्यूशन थियोरी और एविडेंस देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डार्विन की थियोरी और ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।